जनवरी को हुई थी यूपी टेट की परीक्षा और इसी से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। यूपी टेट 2021 का रिजल्ट घोषित किया गया है। प्राइमरी लेवल में 38% प्रतियोगी पास हुए हैं और अपर प्राइमरी में 28% प्रतियोगी पास हुए हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की वेबसाइट पर रिजल्ट सामने हैं और 19,00,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। प्राइमरी में 4,43,998 परीक्षार्थी पास हुए हैं, वहीं अपर प्राइमरी में 2,16,994 परीक्षार्थी पास हुए हैं। वहीं updled.gov.in पर इस वेबसाइट पर जाकर के जो भी छात्र हैं अभ्यर्थी हैं वो अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन यूपी टेट की परीक्षा जो कि इससे पहले तक उस पर संकट के बादल मंडरा गए थे, लेकिन तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए सरकार की तरफ से कदम उठाया गया था, वापस से इस परीक्षा को आयोजित किया गया था। और यूपी टेट 2021 को लेकर के ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निकिता, अभी तक क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि एक लंबे समय से इंतजार हो रहा था, छात्रों को बड़ा बेसब्री के साथ इंतजार था कि यूपी टेट की जो परीक्षाएं हैं उसका परिणाम सामने हुआ, परिणाम भी सामने है। बिल्कुल शुभेंदु, आपको बताना चाहूंगी कि कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 20,00,000 जो स्टूडेंट्स थे, कैंडिडेट्स थे, जिन्होंने इस बार अपीयर हुए थे एग्जाम में, उनका जो इंतजार है वो खत्म हो गया, क्योंकि आज यूपी टेट का जो रिजल्ट है वो आ गया। 23 जनवरी को ये परीक्षा आयोजन हुआ था परीक्षाओं का और 25 फेब को रिजल्ट आना था, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे जिसमें थोड़ा सा देर हो गई थी और आज ये रिजल्ट आया है। फिलहाल अगर मैं रिजल्ट का कंपैरिजन करूं तो पिछली बार से ज्यादा अच्छा इस बार रिजल्ट आया है। लोगों में, स्टूडेंट्स में काफी उत्साह है, काफी इस बार लोगों ने, कैंडिडेट्स ने अपीयर किया था। और इस बार अगर मैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी की बात करूं तो प्राइमरी में 38% और अपर प्राइमरी में 28% जो लोग हैं वो पास हो गए हैं। तो फिलहाल जो रिजल्ट्स है 6.60 लाख स्टूडेंट्स यहां पर पास होते नजर आ रहे हैं और रिजल्ट्स पिछली बार से ज्यादा अच्छे हैं। साइट्स की बात करूं तो जो साइट जारी हुई थी जहां पर रिजल्ट्स देख सकते हैं उसमें इनिशियल स्टेज में थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी, बिकॉज़ ऑल ऑफ अ सडन जब बहुत सारे स्टूडेंट्स अपेयर करते हैं रिजल्ट देखने के लिए तो थोड़ी सी ठप हो गई थी कुछ समय के लिए, लेकिन फिलहाल अभी भी वो प्रोसेस जारी है और लगातार जो स्टूडेंट्स हैं साइट खुलने के बाद अभी वो रिजल्ट्स देख रहे हैं। शुभेंदु, निकिता, लेकिन अब जितने अभ्यर्थी हैं जो कि इंतजार कर रहे थे, अब परिणाम तो सामने हैं, लेकिन रिएक्शंस क्या हैं उनके, रिजल्ट ठीक है, क्या उनका कहना है? रिजल्ट्स ऑब्वियसली लास्ट टाइम से इस बार अच्छा है, तो जाहिर है जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें भी उत्साह ज़रूर देखने को मिल रहा है। उनका लगातार कहना है कि जो उन्होंने पढ़ाई की है, जिस लगन और शिद्दत के साथ उन्होंने मेहनत की थी, उनका परिणाम उनको मिल गया है आज। हाँ, देरी ज़रूर हुई थी, लेकिन फिलहाल अब जो रिजल्ट्स आए हैं उसको लेकर के वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं। जिस तरीके से प्रयागराज से ये पूरा लॉन्च हुआ है रिजल्ट, और उसको लेकर के जो हर जगह जहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपीयर किया था, सब फिलहाल से खुश हैं, क्योंकि 6.60 लाख स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं उनकी यही प्रक्रिया है। और फिलहाल अब वो आगे की पढ़ाई, इसको लेकर के अब आगे क्या चूज करना है उस पे भी अब ये योजनाएं बना रहे हैं कि अब उन्हें आगे भी क्या करना है। तैयारी छात्रों के द्वारा की जा रही है। बहुत शुक्रिया निकिता इस पर जानकारी देने के लिए।